फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप दो चीज़ों की मदद से अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं, इसकी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो समस्या भी दूर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ वो प्लांट में लगने वाली जड़ों की फंगस या फिर किसी तरह का इंसेक्ट, चींटियाँ, उनको भी दूर रखेगी। तो इन दो चीज़ों के उपयोग से आपके प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। बस आपको तरीका जानना है किस तरीके से इसको यूज़ करना है और कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं। सर्दियाँ आने से पहले आप इस चीज़ का यदि इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली सर्दियों में प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे, किसी तरह का उनमें इंसेक्ट नहीं लगेगा, जड़ें ख़राब नहीं होंगी, मिट्टी में फंगस नहीं होगा, साथ ही प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और प्लांट की जड़ों का विकास होगा, प्लांट में बहुत सारे फूल और फल आएंगे। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अभी ज़रूर करें अपने प्लांट में, और ये हम सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आपके छोटे से छोटे प्लांट में भी फूल खिला देगा और प्लांट में ढेरों फूल आएंगे, पौधे में कलियां नहीं गिरेंगी, फूलों का आकार बड़ा होगा, पत्तियों पर शाइनिंग होगी और पूरा प्लांट हेल्दी रहेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं आपको एक से दो बातें बता देती हूँ जो आपको अपने प्लांट पर करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आपको एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, साथ ही एक दिन पहले पौधे में पानी दे देना है जिससे कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहे, एकदम ड्राई मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, यदि प्लांट में सूखे हुए फूल हैं तो उनको हटा देना है, ख़राब ब्रांचेज हैं तो उनको भी आपको कट कर देना है। तो सबसे पहली चीज़ है ये फिटकरी, जिससे कि हम एलम भी बोलते हैं, पोटेशियम या एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है और इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फर पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है और इस समय जबकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट अटैक हो रहे हैं, साथ ही जो पिछली बारिश में मिट्टी में नमी बनी रही थी उससे जड़ों में फंगस भी लगा है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, लेकिन इसको फंगीसाइड के रूप में यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक लीटर पानी लेना है और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा एक मिनट के लिए डाल के रख देना है। जब तक ये एक मिनट होता है उसके पहले मैं आपको वो दूसरी चीज़ भी बताती हूँ जो हमें इसके साथ प्लांट में यूज़ करनी है। तो ये है मेरे पास सूखे हुए केले का छिलका, आपको इस तरह से केले का छिलका अच्छी तरह से सुखा लेना है और इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं और फल और फूल लाने में मदद करते हैं। तो ये हमारे प्लांट में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा, साथ जो हमने फिटकरी का पानी लिया है ये प्लांट की जड़ों में फंगस दूर करेगा। इस फिटकरी के पानी को यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, जैसे कि इसको बहुत तेज़ धूप में हमें प्लांट में यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट ड्राई मिट्टी में यूज़ नहीं करना है और पत्तियों पर इसको स्प्रे नहीं करना है। पत्तियों पर यदि स्प्रे करते हैं तो पत्तियां जलने का डर रहता है। और इसके बाद जो ज़रूरी बात है, बहुत ज़्यादा मात्रा हमें इसको यूज़ नहीं करनी है, बहुत देर तक इसको पानी में डालकर नहीं रखना है। तो एक मिनट हो गया है, अब मैं इसको पानी में से निकालती हूँ, इस तरह से हमें इसको हटा लेना है। ये हमारा पानी तैयार है और जो हमने केले के छिलके का पाउडर लिया है इसको अब हम प्लांट में यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसकी हमने गुड़ाई कर दी है, एक दिन पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है और इस केले के छिलके के पाउडर को पहले हम इस मिट्टी में डालेंगे, उसके बाद हम फिटकरी के पानी का यूज़ करेंगे। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको केले के छिलके का पाउडर यूज़ करना है। मैंने दो बड़े चम्मच केले के छिलके का पाउडर लिया है, इसके बाद इस पानी को हमें पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। 50 से 100 ml पानी आप अपने गमले के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें हमारे प्लांट में बेहद कमाल का असर दिखाएंगी, आप किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी यूज़ करें और देखें, आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक यू।